मुझे अपने बाबा याद तक नहीं, बस इतना पता है कि उनका एक ख्वाब था। वो अपनी मोटरसाइकिल पर खंजराब जाना चाहते थे। तैयारी मुकम्मल थी लेकिन वो रवाना ना हो सके, बस नींद में ही चल बसे। मैं 11 माह की थी। पूरी जिंदगी मैंने उन्हें याद करने की कोशिश की है, उनकी गोद, उनकी खुशबू, वो लोरियां जो वो मुझे सुनाते होंगे। लेकिन यादें भी क्या चीज हैं कि भुलाए ना भूलें और बनाए ना बने। मेरे बाबा चले गए और पीछे रह गई उनकी तस्वीरें, और उन तस्वीरों में इस लंबे सफर पर मैं आज तक उन्हें ढूंढ रही हूं। ये है मेरी कहानी, और ये कहानी शुरू कुछ इस तरह होती है। जाते वक्त ना बेटा बैंक में रुक जाना और ये बिल पे कर देना। क्या करेगा मामा? क्या करती हो, आखिरी तरह कर देते प्लीज। है मामा, अस्तर भाई रुकते मैं बैंक पर नहीं रुकेंगे, मैं काम को कर दूंगी ना सुल्तान के साथ। यार कुछ नहीं होगा, इंतजार कर लेगा वो। नाश्ता करो, आराम से बैठो। पंद्रह साल की मेहनत, सेल्फ कॉन्फिडेंस और परसिवेरेंस, ऑल ऑफ इट हैज ब्रॉट मी टू दिस मोमेंट। आह, मिस जीना, आपकी तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस पंक्चुअलिटी। अक्सर लेट होती हैं आप, वजह पूछ सकता हूं? सर वो वैन में सो गई थी रक्षा। बहाने नहीं चाहिए मुझे। कभी आपकी तबीयत खराब होती है, कभी इनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं होती और वो अस्पताल में होती है, और कभी इनके घर में बिजली नहीं आ रही होती। इट्स ऑल वेरी वेरी सैड, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैट। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। बहाने लूजर्स बनाते हैं और मैं लूजर नहीं हूं, ना ही मेरी कंपनी में किसी लूजर के लिए कोई जगह है। आई वॉन्ट विनर्स। व्हाट डू आई वॉन्ट? विनर्स। यस अली, मैं क्या कह रहा था? सर, 1 जुलाई इस ईमेल में लिखा है, डियर मिस्टर खान,
We would like to invite your agency to make a pitch presentation for our new youth-based campaign. We are looking at a 360-degree brand-building exercise on all mediums with an estimated budget of rupees 500 million, which will be spent over blah, blah, blah. 50 crore rupees. Is pe agency commission calculate kar sakte ho? Mujhe ye campaign chahiye. 1st July ko ye log apne board of directors ke saath hamare paas meeting karne aa rahe hain jahan hum apni ye campaign pitch karenge. Mujhe tum logon ka 100% nahi 200% chahiye. Baki sab kaam chhod ke is kaam pe lag jao. And you champ, mujhe ek aisa special idea chahiye jiske DNA mein wo sab kuch shamil ho jo hame ye campaign dilwa sake. An idea that makes them all go, aha. So pull your socks up, put your thinking hats on, and let's get going. Ali. Dude, I've told you like 1,000 times. Mera driver pick kar sakta hai tumhe. Why must you go through this crap every single day? रोज रोज तो तेरे ड्राइवर के साथ नहीं आ सकती ना. अच्छा नहीं लगता. क्या मतलब है अच्छा नहीं लगता? और काम क्या है उसका? अब घर पे बैठ के रोटियां तोड़ने के लिए तो नहीं रखा हुआ उसे हमने. जस्ट नो आयशा, बट थैंक्स. वैसे ना बॉस को इस तरह से सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी. पता तो है यार, ने खुद बनाया है सब कुछ, सेल्फ मेड हूं मैं. ऐसा आइडिया हो कि क्लाइंट कहे आहा. माय गॉड. Hi. 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 How are you? Good. Okay, so the boss has said ke agle hafte tak presentations taiyar ho jani chahiye. And he's left me in charge. So if you need anything, ya agar aapko kisi cheez ke liye guidance chahiye ho, to main hu yahan. Thank you, Ali. You're welcome. Goodbye. जाके गोद में बैठ जाओ उसके. सारा काम हम करते हैं, उनसे नहीं ले जाते. It's okay यार, टीम वर्क मेक्स द टीम वर्क. यू आर होपलेस. अच्छा नाउ गो बैक, आई हैव टू वर्क. नहीं अगर करना ही है तो खुल के करो ना. क्या लाइक गुड ओल्ड फैशन ऑफिस रोमांस? रानी को राजा से प्यार हुआ है. अशरफ भाई, आप सुबह रुके क्यों नहीं मेरे लिए? आपको पता है आपकी वजह से कितनी इंसल्ट हुई है मेरी ऑफिस में. ओ बहन, एक दफा चल पड़ी तो चल पड़ी. अब हमारी भी तो कोई ड्यूटी है कि नहीं? आपने देखा भी था मुझे, मैं आवाजें दे रही थी आपको. आप 10 मिनट पहले क्यों नहीं नीचे आ जाते? अब मैं क्या वेट करूँ गड्डी लगा के शहजादी साहबा का? तो आप कौन से किसी एक ही टाइम पे रोज आते हैं? माफ करो बीबी, बहस ना करो खाम खा की. अगर आपसे नहीं होता तो घर बैठो आराम करो, चुप करके बैठे. शाबाश. Thank you.
So, Chanda, तुम्हारे काम कैसे जा रहे हैं? It's all right, Pappu. My boss hates me. Hates you? Why? Hate because I'm always late. क्यों मगर? वो जो वैन वाला है ना, वो बहुत तंग करता है. मैंने तो बोला है, मोटरसाइकिल चलाना सीख लो. हर रोज ही चेक चेक से जान छुटेगी. फिर वही बात. अब मोटरसाइकिल चलवाएगा अपनी बहन से, है? दिमाग खराब हो गया तेरा लड़के? मोटरसाइकिल है, कोई मिसाइल थोड़ी चला रही है. कोई तो अपने खानदान का इज्जत का ख्याल रखो तुम. क्यों हमारे बाप दादा का नाम बर्बाद करने पे तुले हो तुम लोग? आजो प्लीज, बेशरम. 21st सेंचुरी है, औरतें स्पेस में जा रही हैं और आप लोग अभी तक इन्हीं फजूल बातों में फंसे हुए हैं. स्पेस में? स्पेस में कौन गया? मैं गई हूँ, तेरी माँ गई है, तेरी पप्पो गई है. बात करता है स्पेस की, ये यूरोप नहीं है. अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ कोई रख रखाव है सोसाइटी में. एक ग्रेस होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया मोटरसाइकिल चला. बाजू पे सब खाना लेना प्लीज. मेरी लड़की को जरूरत ही क्या है नौकरी करने की? सारे खानदान में बातें हो रही हैं कि लड़की कमाए और लड़का करे आराम. तो खानदान वालों से कह देना कि मेरा खर्चा उठा ले, सुल्तान की फीस, मेरे कॉलेज का फंड भिजवा दिया करें हर महीने. खानदान ने कौन सा खजाना हमारे नाम कर रखा है? सुन रही है उसकी बातें? कैसी जबान चलती है इसकी, बदतमीज. अरे तुम चुपचाप शादी क्यों नहीं करवा लेती? चंद साल कुछ शक्ल सूरत है तो कुछ काम बन जाएगा, आगे जाके किसको पता. उसके बच्चों के साथ इतनी अच्छी फैमिली है, सब सेटल कर जाएंगे. शादी कराओ इसकी. जफर की फैमिली के साथ अगले हफ्ते मुलाकात है. तुम घर पे रहना और अपना हुलिया ठीक रखना. ये शक्ल लेकर मत आ जाना सबके सामने. जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही होगा इस घर में, सुन रही हो? हेलो फेसबुक. मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने ब्लॉग का इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा. दिन में 200 लाइक्स, 200 लाइक्स, वाओ! आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत थैंक यू. जब भी टाइम मिलेगा तस्वीरें लगाती रहूंगी. हाईवे पर इंटरनेट सिग्नल्स ठीक नहीं होते ना, तो अपलोड होने में टाइम लगता है. कुछ लोग गुस्सा भी कर रहे हैं. मैंने ऐसा क्या किया है कि आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये अच्छी बात तो नहीं है ना. एनीवेज, गुजरात पहुंच कर बात होगी. आज सफर लंबा है और लॉन्ग रूट पर बाइक चलाना इतना इजी नहीं है जितना मैं समझ रही थी. माशाल्लाह. लेबेटी है, आज अगर तेरा अब्बा जिंदा होता ना तो उसने बड़ा खुश होना था. अच्छा तू बाकी गलने छोड़, ये बता तुझे खाना कैसा लगा? अंकल बहुत मजे का, और दाल पराठा तो मेरा फेवरेट है. ये है? मुझे बहुत पसंद है. हाँ पसंद क्यों ना हो, अपने हाथों से मैंने खास तौर पे बनाया स्पेशल गुजरात देसी घ्यो दा. अपने चना दे कंडे दी बूढ़िया मझा उन्हों का दुध मखण देसी घ्यो कट के आटे च गुन्ने परौंठा पकाया मैं अपनी धी लई. थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया, बहुत मजे का है. वैसे मेरी पूरी जिंदगानी में तेरे जैसी बहादुर लड़की नहीं आई. वो जो मोटरसाइकिल पे अकेली इतने खतरनाक इलाके में जा रही है, कमाल कर दिया तूने तो. थैंक यू अंकल. तेरा फोन बज रहा, तू फोन सुन ले. घबराई ना, मैं तेरे वास्ते सस्ते वास्ते भी खाना बन दिना है. बिल की फिक्र नहीं करनी, हो जाएगा. छोटे हेलो. गुजरात ढाबे पे खाना खा रही हूँ. नहीं नहीं, बस बाजू थोड़ा तंग कर रहे थे, बाकी बेस्ट है. सुल्तान, कमेंट्स पढ़े हैं तुमने? गालियाँ क्यों दे रहे हैं लोग? अस्सलाम वालेकुम मामा. मामा बाइक पर थी, अब बाइक चलाते हुए तो फ़ोन पे बात नहीं कर सकती ना, कहीं पहुँचूँगी तो ही बात होगी. अच्छा मामा, आई कांट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, मुझे ऐप पे बात पहुँचना, मैं वहाँ पहुँच के कॉल करती हूँ. ओके, अल्लाह हाफिज़.
भाई अब वजू मकलू करवाएगा क्या? ओ एम्बुलेंस मंगवाऊं तेरे लिए? चूरा नहीं खा लेता बाजार से लेके पेट का? अल्लाह माफी दे। तौबा। ले पुत्र मैं तेरे रास्ते के लिए खाना तैयार करता हूँ, तू जल्दी से हाथ धो के आ जा। आ जा मेरा पुत्र। ढोला करके नकाब हथी करके किताब कि दे वेंदे ओ जनाब साकू दसी वंजो हा ओ कि दे वेंदे ओ जनाब साकू दसी वंजो हा आई अड्डे आते लारी ढोला करके तैयारी आई अड्डे आते ओ आई अड्डे आते लारी। थोड़ा अपनी तरफ होके बैठेंगे आप? ड्राइवर मैं हूँ क्या आप गड्डी चलाने दे? ड्राइवर आप हैं लेकिन इस तरह कौन बैठता है? कोई तरीका होता भाई? मुझे ना सिखाया मैडम। खामोश होके बैठे। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप लोग रोज देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो क्या होता है? आप ऐसा करें अपने लिए ना अलग गड्डी रख लें, अगर आपसे वैन में नहीं बैठा जाता तो। गाड़ी रोके आप, रोके गाड़ी। तो क्या मसला है आपको, क्यों गड्डी रोकूं? मैं पीछे बैठ जाऊंगी, पीछे बहुत जगह है, वहाँ इजाजत नहीं है। क्या इजाजत नहीं है? और लड़के और लड़कियों के इकट्ठे बैठने की इजाजत नहीं है। किसकी तरफ से इजाजत नहीं है? तो मेरी तरफ से नहीं है, मेरी गड्डी है, यहाँ बैठना तो यही लेडीज के साथ बैठना पड़ेगा। तो और थोड़ा अपनी तरफ होके बैठे ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे गड्डी चलाना ना सिखाए, और अगर इतना ही मसला है तो घर क्यों नहीं बैठती आराम के साथ? देखे आप तमीज से बात करें प्लीज। अच्छा एडी तो वड्डी मिस क्लिंटन नखरे भी दे। ढोला करके नकाब हथी करके किताब कि दे वेंदे ओ जनाब साकू दसी वंजो ओ कि दे Hi Ali. Hi. How are you? Good. Good. You? I'm good. Thank you. Coffee? Yep. मैं चाय ज़्यादा शौक से पीती हूँ। That's nice. I was thinking. Yes. किसी दिन मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? लेकिन आप तो चाय पीती हैं। मैं चाय पी लूंगी, तुम कॉफी पी लेना। माय ट्रीट। ओके फाइन, किसी दिन का प्लान बनाते हैं। किस दिन? फ्राइडे को? फ्राइडे को मेरी बर्थडे है। आई एम गोइंग विद सम फ्रेंड्स टू लांचो।
एडवांस में हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. लिसन, व्हाई डोंट यू कम विद अस बर्थडे पे? It's just a couple of friends. हम लोग लांटो जा रहे हैं, तो आप आ जाओ अगर आप चाहती हो. Sure, मैं जरूर आऊंगी. Great, that's brilliant. So 9 p.m. Lanto. आपको पता है ना कहाँ है? Yes. Great. Best. See you then. Bye. Bye. फूड पॉइजनिंग. पराठा. डिहाइड्रेशन है. पराठा जर्म्स. जिस तरह वो पराठे को फ्राई कर रहा था उस तरह तो किसी जरासीम का बाप भी जिंदा नहीं रह सकता. इसमें क्या है? भाई ने बोला था. स्मार्ट बॉय. बाइक के ऊपर पसीना बहुत आता है, हवा की वजह से खुश्क हो जाता है और पता भी नहीं चलता, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद आराम करना, रुककर पानी पीना बहुत जरूरी है. छोटे छोटे से, छोटे से. तू मेरे सांस में बसी है यूं खुशबू की तरह, तू मेरे दिल में परोई है यूं धड़कन की तरह. जुबां से कैसे कहूं कौन से मैं लफ्ज चुनूं, जुबां से कैसे कहूं. Feeling better? टूर पे जा रही हो? मैं भी. इकट्ठे चलें? सफर पे अगर कोई साथी हो तो बेहतर रहता है, नहीं? छोटा सा था तब से एक ही ख्वाब है, खुला आसमान, लंबी सड़क, बस मैं और मेरी मोटरसाइकिल. लेकिन देसी पेरेंट्स भी ना. इफी बेटा बस मैट्रिक कर लो, फिर जो चाहे कर लो. इफी बेटा बस प्री मेडिकल कर लो, फिर जो चाहे मर्जी कर लो. इफी बेटा कॉलेज कर लो, इफी बेटा नौकरी ढूंढ लो, इफी बेटा शादी कर लो. क्या गेम किए भाई. लेकिन पता है क्या, मेरी जो बीवी है ना उसी ने बोली, बोली इफी एक लाइफ मिलती है यार, अगर उसमें भी अपना ख्वाब पूरा नहीं किया तो क्या फायदा लाइफ का. जाओ, लिव योर ड्रीम. अब इंसान का क्या पता आज है कल नहीं. क्यों, ये जिंदगी जो है ना समझो एक तोहफा है, लेकिन यूं पलक झपकने में गुजर जाते हैं. मैं तो कहता हूं जिसके जो ख्वाहिशात हैं, जो ख्वाब हैं, उनको अभी पूरा कर लो भाई, वरना टांगे कब्र में होंगी और सोच रहे होंगे काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता. नहीं, अभी. शादी होगी ना तुम्हारी? मंगनी हुई है, संडे को निकाह है. अरेंज्ड.
ये मेरी भी अरेंज थी, लेकिन शादी के बाद लव मैरिज बन गई। सब ठीक हो जाता है यार, अगर पार्टनर तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें समझ सके, तुम्हें सपोर्ट करे, तुम्हें एम्पावर करे। अगर तुम उड़ना चाहो तो तुम्हारे पर बन जाए, और अगर कभी सहारा चाहिए हो तो चट्टान। बस यही होता है लव, बाकी तो सब फिल्मी बातें। चलें। बस जी, अब आप ये पिक्चर करें कि मैं 6 महीने का हूं और मामा मुझे सिंक के नीचे नहला रही है। ओके, अलिफ नंगा, कंप्लीटली नेकेड, और आई एम लाइक, हां छह माह पे भी कितना खूबसूरत है, सो हैंडसम। हाँ, तो मेरा जफर है ही हैंडसम। प्लीज ज्यादा खुश ना होइएगा, कोई पता नहीं अभी भी तस्वीर निकाल ले। साथ तो नहीं लाई आप? नहीं नहीं, बस जी अब बच्चे जितने भी बड़े हो एग्जैक्टली exactly. अभी तक जब भी मुझे बुलाती है ना, कहती है ओ काके, ओ गल सुन। इट्स लाइक मॉम, काके आई एम 32 इयर्स ओल्ड, अब तो जाने दीजिए। बेटा, कुबरा बता रही थी कि बैंक में काम करते हैं आप। जी हाँ जी, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, और बेसिकली बचपन से मुझे नंबर्स का बहुत शौक था, तो आई थॉट व्हाई नॉट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की वेल्थ मैनेज करते हैं, मुझे टेकते हैं मनी एंड इन्वेस्ट इन अदर प्लेसेस, कभी कभी थोड़ा रख भी लेते हैं मैट्रिक्स के नीचे छुपा के। आओ बेटा, आओ 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 बेटा। बिस्मिल्लाह, ये है कुबरा आंटी और ये है इनके बेटे जफर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। भी माशाल्लाह आपकी बेटी तो तस्वीर से भी ज्यादा प्यारी। आओ। शुक्रिया। आओ बेटा, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जफर। प्लीज बैठिए ना। माशाल्लाह से दोनों के नाम जेड से शुरू होते हैं, जरा देखें। बस देख लें जी, पता ही नहीं चलता है बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कल की बात लगती है, आई वाज चेंजिंग हिज डायपर्स, और आज देखिए माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट बैंकर। और कुछ डिटेल सुनानी है आपने? बट वी आर सो प्राउड ऑफ हिम, ओ लेवल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक माशाल्लाह ही इज ऑलवेज बीन अ टॉपर, अब तो सब यही संभालता है। ही सच अ जेम, हीरा है मेरा बच्चा, हीरा। मुझे तो बस एक ही बात पता है, एनी गर्ल वुड बी लकी टू बी हिज वाइफ। मेरा बेटा लाखों में एक है, हीरा है हीरा। हीरा? अरे इतना ही हॉट स्टफ है तो अपनी मॉमी से क्यों लड़की ढूंढवाता फिर रहा है, कोई लड़की खुद की नहीं ढूंढ सकता। एग्जैक्टली माय पॉइंट। वैसे चंदा सीवी तो अच्छी है, दिखने में कैसा? सीवी से शादी थोड़ी करनी है यार, आई मीन ही इज नाइस आई गेस, बट लेकिन पता है क्या आयशा, फील नहीं आ रही यार। सारी गेम ही फील किया यार। नाउ व्हाट? नाउ व्हाट क्या? अगले संडे कॉफी डेट है उसके साथ। ओह हेलो, ऑकवर्ड यार। इट्स नॉट, इट्स फनी। इट्स नॉट फनी, मैं क्या बात करूंगी उससे यार। स्मॉल टॉक? स्मॉल टॉक? हाँ। लाइक व्हाट? लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखता ही होगा ना। जॉन स्नो? फेवरेट डिश पूछ लो, खाना तो खाता ही होगा ना। क्रिकेट? क्रिकेट तो देखता ही होगा ना। शायद आफरीदी, उमर अकमल। हॉबीज पूछते ना उससे, हॉबीज से आइस ब्रेक हो जाएगी। सी 6500, सो महीने का आखिर चल रहा है मेम साहब। इट्स ओके यार, आई विल कवर इट, नेक्स्ट सैलरी में दे देना। थैंक्स। बाकी का महीना क्या करोगी? जो हर दफा करती हूँ। शकील लिफाफा लेके फटाफट। क्या हुआ, इज देयर अ प्रॉब्लम? इनसे वो
देख लेगा। तो क्या हो गया अगर कोई देख लेगा? इसमें क्या है ऐसा? एक सेकंड, इसमें ऐसा क्या है? चीज ऐसी है मैम। चीज ऐसी है क्या मतलब है? चीज ऐसी है इसमें ऐसा क्या है? असला है, बारूद है, कोई ड्रग्स है? नहीं, आज आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ना, प्यार से मैं पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है? वुमन टू मैन, इशू क्या है? नहीं मैम साहब, कोई देख लेगा। देख लेगा? क्या देख लेगा? कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा? Assalamualaikum, अम्मा, कितनी देर में पहुंच रहे हैं आप लोग? बेटा हम तो यहाँ वर्कशॉप में खड़े हैं, बाइक खराब हो गई है। क्या हुआ है बाइक को? पता नहीं क्या हुआ इस बाइक को, बस खर 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 कर रही है। सुल्तान को फोन दें। हेलो सुल्तान, यार क्या हुआ है बाइक को? यार बाइक की चेन टूट गई है, वर्कशॉप लेके आए हैं। कितनी देर लगेगी? चंदा पूरा टायर खुलेगा, दो घंटे तो कहीं भी नहीं गए, और आपको पता है इतनी आसानी से इसकी चेन मिलती भी नहीं है। दो घंटे? नहीं यार, रिक्शा कर लें। सुल्तान मैंने बोला भी था मेरे पास पैसे नहीं है, और इस खटारे को ले जाने की जरूरत क्या थी यार? यार मुझे क्या पता था इस खटारे की चेन फारिग हो जाएगी? सुल्तान आपको पता था मैंने जाना है आज, और मेरे साथ ही हमेशा क्यों? Hey girl. Hello, आयशा, listen. Yo. जी गाड़ी भेज सकती हो? वो सुल्तान की बाइक खराब हो गई है ना, I have to go to Ali's birthday. ड्राइवर तो छुट्टी पे गया हुआ है और गाड़ी भी अबू लेके गए हुए हैं। नहीं यार, let me see. यार I'm so sorry. Can you manage something else? Maybe. अच्छा मैं देखती हूँ। Bye. I'm so sorry. कितना ऊंचा होगा ये? 30-40 फुट तो कहीं नहीं गया। लेक कितनी गहरी होगी? क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी चीज हो, तुम्हारे डूबने के लिए तो 6 फुट ही बहुत। जुबान से कैसे कहूँ, कौन से मैं लफ्ज चुनूं? एक बात कहूँ मैं आपसे, ये शेरो शायरी ना आपके बस की बात नहीं है। मतलब जो कहना था वो सीधा सीधा क्यों नहीं कह दिया? All due respect, but you are a shit poet. Poet chitu to kya hua? Aashiq world class hu, world class. Aur meri biwi ko meri shayari pasand hai aur main uske liye likhta hu. And that's all I care about. Understand? Aur kam se kam himmat to kar raha hu na, likh to raha hu. Tumhari to thodi hu. Bhattu kahegi. Kya kya kya? Kya bola hai mujhe? Bhattu. Coward. Chicken. Mommy! 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 अब लगता है डर तो क्या करूं? डर, खौफ, इट्स लाइक अ डिजीज। ये लॉजिक को ऐसे खा जाता है जैसे कैंसर। अब हम जो बन सकते हैं, जो अचीव कर सकते हैं, उसके रास्ते में एक पहाड़ बन के खड़ा हो जाता है, रोकता है हमें, तोड़ता है हमें। लेकिन जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो इस पहाड़ को सर करना पड़ेगा, बहादुर बनना पड़ेगा। लेकिन बहादुरी ये नहीं है कि यहां से झील में छलांग लगा दो, बहादुरी अपनी जात को, अपने खौफ को फतह करना है। वो कर सकती हो, है हिम्मत?
हो जितना भी मुश्किल ना मैं रुकूं मुड़ू ना मैं पीछे हटूं तूफान हो या आंधियां दिल में एक सदा है सब कुछ नया नया अब रुकना नहीं ये ही जज्बों की बोले सुबह Get yourself one of those biker jackets that say, born to ride. Biker gang mein thodi jana hai bas convince ke liye. Sunday ko hum nehar pe jayenge aur ladkon pe awaazein lagayenge. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay, sir. Yes. May I come in, sir? Come in, please. Right here. Kya showroom acha hua hai puri building mein? Kya sir? Maine suna hai aaj aap motorcycle pe daftar aaye. Ji sir. Kyun? सर वो कन्वेंस का बहुत इशू रहता था बाइक से बहुत आसानी हो गई है सर आई वोंट बी लेट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑफिस वैन में आने में क्या मसला है आपको सर एक्चुअली वो अशरफ भाई बहुत तंग करते हैं सर सर वो रोज़ अलग अलग टाइम पर आते हैं काफ़ी बार छोड़ कर भी चले जाते हैं मैंने हज़ार दफ़ा उनसे कहा है कि एक ही टाइम पर आया करें लेकिन वो सुनते ही नहीं ऊपर से सर वो ऊपर से सर ऊपर से वो छेड़छाड़ी भी करते हैं सर सिर्फ आपके साथ करते हैं हुँ? किसी और ने तो कभी कंप्लेन नहीं किया सर आई एम नॉट लाइंग सर आई हैव अ क्वेश्चन मिस ज़ीनत व्हाई इज इट ऑलवेज यू कभी आप कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहती हैं कभी आपको कोई प्रॉब्लम होता है कभी आप कोई एक्सक्यूज लेकर आ जाती हैं व्हाई इज इट ऑलवेज यू शेख साहब को जानती हैं ना जिनका ऊपर वाले फ्लोर पे दफ्तर है जी सर उनका फोन आया था मुझे तो कलरफुल बातें कर रहे थे कह रहे थे मैंने अपने दफ्तर में इंग्लिश माहौल बनाया हुआ है लड़कियां मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पे आती हैं आई डोंट नो व्हाट द हेल इज एन इंग्लिश माहौल बाय द वे क्या हम उनके साथ अपनी कंपनी की ऐसी रेप्यूटेशन अफोर्ड कर सकते हैं सर बाइक चलाने से कंपनी की रेप्यूटेशन का क्या ताल्लुक है वी आर इन द सर्विसेज इंडस्ट्री शेख साहब हमारे क्लाइंट
वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर फील्ड. और आप और मैं एक सोसाइटी का, एक सिस्टम का हिस्सा है और हमें उसके बीच में रहकर ही सारे काम करने हैं. जब आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई थी, मुझे लगा कि आपको इस जॉब की बहुत जरूरत है. लेकिन इसका यह कथन मतलब नहीं कि मैं आपकी वजह से कंपनी का ऐसा स्कैंडल बनने दूं. सर, स्कैंडल? जी, स्कैंडल. आप अपना कोई और बंदोबस्त कीजिए. कल से आप दफ्तर स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे नहीं आएंगे. लेकिन सर, वो... प्लीज नो मोर आर्ग्यूमेंट्स मिस ज़ीनत. दिस कन्वर्सेशन इज ओवर. कैन आई गो सर? ऑफ कोर्स यू कैन. एंड यू बेटर. क्लब के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं बॉस. मचाल है कि सिक्योरिटी किसी एक इंसान को भी अंदर जाने दे. लाइनें, लड़कियां, सिक्योरिटी, नो एंट्री. और फिर अचानक एक फरारी आती है, ब्रेक लगती है. वाम, 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 वाम। गॉट. दरवाजा खुलता है और अंदर से अली जफर. अली, अली, अली. जफर, 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 जफर. भाई गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकलता है, एंट्री मारता है, लड़कियां देखती हैं. अली, अली, ओह माय गॉड, अली. अली इग्नोर, ग्लासेस उतारी, जेब में हाथ डालता है और निकालता है सिम कार्ड. लानत. बॉस दूसरे दरवाजे से भी किस फखरी निकल रही है. प्लीज यार, आई डोंट नीड स्टार्स, आई नीड एन आइडिया. तुम्हारा क्या ख्याल है, बाकी एजेंसी वाले अली जफर फवाद और आतिफ को नहीं लेकर आएंगे? उन सबके पास भी यही सौदा है बेचने के लिए. आई नीड एन आइडिया. आउट, आउट. सो नेक्स्ट, ऑफ कोर्स. इस मीटिंग रूम में बैठे हम सब लोग, हमारे ड्रीम्स, पैशंस, स्टोरीज सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम अलग नज़र आने से डरते हैं, डिफरेंट बात करने से डरते हैं, क्योंकि हमने बड़े होते हुए लोगों के डर से अपनी आवाज़ को दबाना सीखा है, अपने पैशन को छुपाना सीखा है. लेकिन आज, आज अगर हम चाहें तो इस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं. हमें इन यंग लोगों की आवाज बनना होगा, लेकिन उसके लिए हमें समझना होगा कि ये 25 साल से कम उम्र, 10 करोड़ चेहरे आखिर कौन हैं और क्या चाहते हैं. मैं पाकिस्तान का वो नौजवान हूँ जो ख्वाब देखना नहीं भूलता, जो नौकरी के लिए जमीन पर पैर घिसता है, लेकिन उसके इरादे आज भी आसमानों को छू रहे हैं. मैं वो स्टूडेंट हूँ, आर्टिस्ट हूँ, ब्लॉगर हूँ, सिंगर हूँ, जो ख्वाब देखने से नहीं डरता, जो नए रास्तों से नहीं डरता. लेकिन हमारी दुनिया को एक ऐसी शेप दी जा रही है जिसमें हमारा कोई इनपुट नहीं है. हर तरफ एक शोर है जिसमें हमें खुद की आवाज सुनाई नहीं देती. अकेली बाहर जाएगी, हो हाय,
लड़कों के साथ पढ़ेगी? हो हाय, 25 एंड स्टिल सिंगल? हो हाय, लड़की मोटरसाइकिल चलाती है? हो हाय, मैं वो लड़की हूं जो एक्सपेक्टेशंस और डिसअप्रूवल के शोर में भी अपने कंधों पर इरादों की भारी चट्टान उठाए फिरती है। इस यूथ को साइडलाइन पर बैठकर चेंज नहीं देखना, हमें उस चेंज को लीड करना है। कुछ सालों में ये दुनिया हमारी होगी तो हमें बना लेने दें वो दुनिया जिसमें हमें जिंदा रहना है। अब आपका लोगो कैसा है, आपका डेटा सस्ता है या नहीं, आपकी सेलिब्रिटी या मॉडल कितनी फेमस है, वी डोंट केयर। यू आर नॉट स्पीकिंग आवर लैंग्वेज। अगर आपकी कंपनी हमारी अटेंशन चाहती है तो वेयर आर शूज, लिव आर लाइफ, हमारे साथ खड़े हों और हमें बताएं कि इट्स ओके टू बी डिफरेंट। हमसे कहें कि ख्वाब देखने से डरना नहीं है, ये तुम्हारा हक है। कहें कि बढ़ना है, डरना नहीं, उड़ना है, चलना नहीं, बस आगे जाना है, जो तुम चाहो उसको पाना है। रूम चाहिए था। कितने लोग हैं आप? एक। ये फॉर्म फिल कर दें। फेसबुक पर आपकी तस्वीरें देख के बहुत खुशी हुई। मेरे शौहर रिक्शा चलाते थे, पिछले साल अचानक ही पता नहीं क्या हुआ फौत हो गए। अब बस मैं हूँ और मेरे दो बच्चे हैं, ना कोई कमाने वाला ना कोई ख्याल रखने वाला। उनका रिक्शा खड़ा है, सोचती हूँ खुद चला लूँ, बच्चों का पेट पालना है। फिर सोचती हूँ मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बुरा लगता है वहां का माहौल, तो वापस क्यों नहीं आ जाते? मेरा मतलब वहां रहकर डेढ़ इंच की मस्जिद बनाने से बेहतर नहीं है कि अपने मुल्क में आकर रहे? That's really cute. Absolutely adorable. But I think तुमने कभी सोचा नहीं यहां पर क्या है? नो सिक्योरिटी, नो स्टेबिलिटी, ना कोई सिस्टम है। एजुकेशन इज टेरेबल। आई वांट द बेस्ट फॉर माय फैमिली एंड ऑनेस्टली
place is a dump. But I love Pakistan. अगर मैं छोड़कर न्यूयॉर्क ना जाना चाहूँ तो शादी के बाद कुछ give and take तो जरूरी है. This is how it is. Adjust तो करना पड़ेगा. We'll come back every summer. आते रहेंगे. It'll be fine. Trust me. Enough about me. अपने बारे में कुछ बताएं. Hello. Hmm. कुछ खास नहीं. Sorry. खास. खा. खास. हाँ. खा. Huh? Khas. Sorry. Mama aur Sultan ke saath time spend karna acha lagta hai. Kabhi kuch movie dekh li. To be honest, kaam ke baad itna time hi nahi bachta ki kuch aur kar sakun. Actually, I'm saving money for college. That's my priority. Listen, we're rich. You don't need to worry about anything. Sit back. Enjoy the ride. Okay? काम करने के लिए मैं हूँ ना. But I like to work. I want to. घर बैठकर क्या करूँगी सारा? मामा के साथ time spend करोगी. And inshallah we'll have a kid soon. उसको माँ की ज़रूरत है. Right? Personally, I want you all to myself. और तुम बिल्कुल फिक्र ना करो. हम सुल्तान को भी अमेरिका बुला लेंगे. फिर बस US का ठप्पा लग जाएगा ना. He'll get a job like this. But meri education, uska kya? Listen, hum padhai kyun karte hain? Taki hame kaam mile, right? Kaam kyun karte hain? Taki hamara career ban sake. Career banega to paise honge, stability hogi, you'll have a good life. That's what you want. Tumko ye sab kuch milega. It's gonna be there for you, so just relax. Vaise bhi, I want a wife, not a professor. ठीक है लेकिन Look, don't make me repeat myself, okay? शादी के बाद थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है. तुम्हारी हॉबीज क्या है? बाइक्स. बाइक्स? Cool. क्या रेसिंग देखती हो? चलाती हूँ. What? कहती हूँ जरूरत क्या थी उसे बताने की. अब उसने हॉबीज का पूछा तो और क्या बोलती? झूठ बोलती. हाँ मैं कोई झूठ कह देती. कोई सिलाई कढ़ाई, कोई कुकिंग कोर्स किया है, मोटरसाइकिल चलाना. कुबरा का तो दिल ही बैठ गया, बीपी हो गया उसे. कुछ नहीं तो अपने भाई का ही सोच लिया होता तूने. अब मेरे बारे में फिक्र नहीं करे, हम कर लेंगे. हमें किसी के फेवर्स नहीं चाहिए. अच्छा तू चुप रह. अच्छा ये सब तेरा और तेरी माँ का किया धरा है. मुझे बता तू तो क्यों ये रिश्ता खराब करने पे तुली हुई है? हाय अल्लाह, इसे कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया कोई? I wish. है क्या? नहीं बाजू. बाजू क्यों बात का पतंगर बना रही है? वो लड़का अमेरिका में होता है, उसने कभी किसी लड़की को मोटरबाइक चलाते हुए नहीं देखा. अच्छा तू रहने दे, कम से कम अपने बाप की इज्जत रख ली होती. अच्छा उस बेचारे को तो बीच में मत लाए प्लीज. कुबरा ने तो मुंह मोड़ दिया, लेकिन जफर को पता नहीं इसमें क्या नजर आया है. वो राजी है अब तक, अगर हरकतें बदल ले तू अपनी. बाजो कभी तो सोच के बोला करें आप. क्यों क्या कह दिया मैंने, कोई गलत कहा है? नहीं आपने ये क्यों कहा कि क्या नजर आ गया, क्या कमी है मेरी बेटी में? You know what? ये भी लगे कि उसको मेरी बहन जैसी कोई लड़की मिले. रहने दे तू. बहन जैसी कोई लड़की मिले? हरकतें नहीं देखती उसकी. सुल्तान, पापा के बारे में सोचते हो कभी? कैसे होंगे, किस तरह के दिखते होंगे, किस तरह बात करते होंगे, और अगर होते तो कैसा होता? लाइफ कितनी फर्क होती ना. जो है सो है, इस तरह की बेकार बातें सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास. पता है क्या, बाबा की वो तस्वीर है ना बाइक वाली, दिल टूटता है देखकर यार. मैं बाबा का ख्वाब पूरा करना चाहती हूं,
I want to do this for him. मरे हुए लोग ख्वाब नहीं देखा करते। प्यारे पापा, शायद कोई कभी ना समझ सके कि मेरा और आपका ये कैसा रिश्ता है कि जिसको अपने होश में कभी मिली भी नहीं, उसके साथ जैसे एक डोर से बंधी हूं। आप कितने ख्वाब, कितनी ख्वाहिशात बस दिल में ही लेकर चले गए, लेकिन अब मैं अपने दिल में उन सबको समेटे इस सफर पर रवाना हूं। हर वादी, हर दरिया, हर नजारा मैं सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि आपकी आंखों से भी देख रही हूं। आपकी बेटी चंदा। Hey girl, ओए तुझे क्या हुआ है? मैं कहाँ जा रही हो? बेब सर, अब आप दरवाजा नॉक करने की भी जहमत नहीं करती। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बनाई हुई प्रेजेंटेशन आप अली को कैसे दे सकते हैं सर? अभी जिस दरवाजे से एक जानवर की तरह आप मुंह उठाए अंदर आई हैं, उसके बाहर एक साइन लगा हुआ है, उसको पढ़ा? जी। क्या लिखा है उसको? CEO. That's right. CEO. यानी इस कंपनी का मालिक मैं हूं और मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। सर, सर प्लीज आप मेरी बात तो सुन लें सर एक दफा। सर दिस इज नॉट फेयर ऑन मी सर। सर वो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। सर सर एक जस्ट वन मोमेंट सर। सर सर ये मेरा आइडिया है, सारा काम मैंने किया है, एक स्लाइड मैंने खुद बैठ के बनवाई है, इट्स ऑल माइन सर। यू आर रॉन्ग। जब तक आप इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपके सारे आइडियाज कंपनी की मिल्कियत है। हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम आपको एनवायरनमेंट देते हैं, इसलिए आपके तमाम आइडियाज पे हमारा हक है। ये सब कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट पे भी लिखा हुआ है, अगर आप भूल चुके हैं तो प्लीज। सर 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 एक सेकंड, सर मेरी बात तो सुनें आप सर। मैं तेरी जगह होती ना तो फौरन रिजाइन कर देती। तुम नहीं हो मेरी जगह। मैं हूँ। I really need this job. I'm sorry, Zenith. The quit wasn't my decision. पता है। वो presentation? Wow. तुम्हें किसी और की मेहनत पे डाका डालते हुए शर्म नहीं आती है? यार मैंने कहा it wasn't my decision to make. मैं बॉस थोड़ी हूँ। Yes, but you could have stood up for her. उसको ना भी तो कर सकते थे ना। जो वो डिसीजन लेंगे मैं उसको नो किस तरह स्टॉप। इट्स ओके, यूएसपी घर पे, मैं कल दे दूंगी। थैंक यू। I hope all of you have brought your A game. There is no room for any mistakes. Everything has to be perfect. Client ke aane se pehle karenge presentation ka ek review, jisko lead karenge Ali. Ali, over to you. Ali, what's happening? The presentation, please.
Ah! Motorcycle girl. Presentation, please. Hi, Kamran. Hi, Babur. How are you? Good. How are you? Good, good, Singh. Hi. Good morning, sir. Good morning. Well, I'm very confident about one thing. एक दफा अगर तुम हमारी प्रेजेंटेशन देख लोगे तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। I would suggest cancel all your meetings and save yourself the trouble. तुम सब एजेंसी वाले एक जैसी बातें करते हो। You all are the same. Well, यहाँ पे हम सिर्फ कहते नहीं, हम करके भी दिखाते। आगे तुम्हारी मर्जी है। But I am guaranteeing तुम वापस आओगे यहाँ पे। Okay, enough of the talk. Let's see your masterpiece. In another 5 minutes. Sorry, Kamran. वो असल में नई लड़की है, उससे थोड़ा सा ब्लंडर हो गया. And 5-7 minutes only. But I assure you, it will be worth your wait. छोटी हरकत करोगी सर आपसे मुझसे गलती हो गई थी सर मैं जानबूझ के नहीं सर ये यू आर फायर्ड सर आई रियली नीड दिस जॉब सर सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर यू आर फायर्ड सर आई रियली नीड दिस जॉब सर मुझे इस दफ्तर में नजर मत आओ सर मेरे पास गाइस इट्स हियर सॉरी या No, it's not. Stop beating yourself over it, okay? And they loved your idea. This bastard ko tere haath chumne chahiye. I'm so proud of you. Cheer up na. Acha, how about this? How about we have lunch? My treat. Okay, you good? I'm just gonna come back from the bathroom, okay? See you at party. That's what you do when you walk into a meeting. You don't let them own you. Yep. You own them. Gay. Oof. Shukar hai khuda ka. Sad to nahi hai. Teri girlfriend to farig ho gayi. Shut up. Teri girlfriend hogi. What a strange girl, yaar. Ye dekh. Mere desk pe kya chhod di hai. Oh, oh. Happy birthday to a special guy. P.S. I have something to tell you. Loves it. Oof, yaar. Next level. तेरी सोच है? I think मेरे डेस्क से मेरी तस्वीरें चुराती थी. Serial killer shit, bro. I know, right? वैसे बर्थडे पर इनवाइट किसने किया था? तो क्या करता मैं? हर वक्त पीछे पड़ी रहती थी. Hi Ali, hey Ali. क्या करता? बुला लिया उसे तरस खा लिया उस पे मैंने चल शुक्र है जान तो छूटी है उससे बता वीकेंड का क्या प्लान है तेरा फीफा इज ऑन ब्रो प्रैक्टिस करते Hey.
चंदा यार कुछ नहीं होता यार, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उस खड्डू से तुम्हारी जान छुटी। हाँ मेरी जान, नौकरी है ना कोई और मिल जाएगी बेटा। नौकरी की बात नहीं है, थक गई हूँ मैं लड़के पूरी दुनिया से, नौकरी कहाँ कहाँ के जमाने की, मेरी किस्मत में क्यों लिखा है ये सब कुछ। अच्छा बस ऐसे नहीं कहते, हिम्मत करो बेटा हिम्मत। नहीं करनी मुझे हिम्मत, नहीं करनी। अच्छा बस जिंदा, आज मेरे बाबा जिंदा होते ना कभी अपनी बेटी को इस तरह रोने ना देते, कोई ख्याल करने वाला ना कोई हिफाजत करने वाला। क्यों चले गए बाबा हमें छोड़ के। कई बरसों से बेटा मैं भी यही सोच रही हूँ क्यों चले गए, अगर हमें क्यों। लेकिन बेटा जो होना था वो हो गया था। और सुनो, अगर आज तुम्हारे बाबा जिंदा होते ना बेटा तो वो तुम्हें कभी भी इतना कमजोर ना देखना चाहते। वो तो हमेशा ये चाहते थे कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो। नहीं बनना मुझे स्ट्रॉन्ग, नहीं बनना, मुझे भी सारा चाहिए, मुझे मेरे बाबा चाहिए, मुझे मेरे बाबा वापस चाहिए। मेरे बाबा इस दुनिया में अकेले लड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। शायद बाजू सही कहती है, जफर अच्छा लड़का है बेटा, अपने पांव पर खड़ा है, इज वेल सेटल्ड। देखो डिसीशन तुम्हारा होगा और जो भी डिसीशन होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी, तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अगर कहो तो मैं बात करूं बेटा। जुलाई तक हम लोग इधर ही, तो मैं तो सोच रही थी उससे पहले ही निकाह कर ले और फिर जफर को 2 weeks की छुट्टी मिलेगी इन नवंबर। सो आई वाज थिंकिंग कि तब फिर रुखसती हो जाए, क्या कहते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, चंदा से पूछ ले पहले तो। चलिए पूछने की क्या जरूरत है, ये लंबी लंबी मंगनियां ठीक नहीं होती। इस तरह हम एक दूसरे को जान जाएंगे, दे विल गेट टू नो ईच अदर। जूलिया जी, आई थिंक मैं काफी कुछ देख चुका हूँ। I'm okay. I've seen enough. ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये बेकार की मॉडर्न बातें हैं, getting to know each other. भाई मैं तो अपने शौहर से पहली मर्तबा तब मिली थी जब सुहाग रात पे उन्होंने मेरा घूंघट उठाया था। उसके बाद 50 साल हम लोग इकट्ठे रहे। तो जैसे आप कह रही हैं बहन, 10 जुलाई बिल्कुल मुनासिब होगा। चलो That's great. बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। Thank you.
जरा यहाँ देखिए प्लीज जी. दोनों यस स्माइल बिग स्माइल बिग बिग ये चीज राइट देयर What's wrong? Nothing. मैंने वो जूली आंटी से बात कर ली. टेंथ को मेरे जाने से पहले आप निकाह कर लेंगे. और नवंबर में रुक सकती. मेरा दोस्त है एम्बेसी में काम करता है. एक हफ्ते में हो जाएगा. I'll be quick. Don't worry about it. देखो मैं जानता हूँ कि ये एक अरेंज्ड मैरिज है. इसलिए तुम घबरा रही. It's fine. It's only natural. You're gonna love New York. It's great. You'll fit right in. Do you have a dream, Zafar? कोई ख्वाब ऐसा जो तुम पूरा करना चाहते हो? I don't know. I think ज़िंदगी में जो जो कुछ करने के लिए था वो मैं कर चुका हूँ. दुनिया देख ली. करियर बना लिया और अब तुमसे शादी. आई फील प्रीटी गुड अबाउट माय लाइफ. आई थिंक आई टिक्ड ऑल द बॉक्सेस. कितने लकी हो ना तुम. अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए. आई गेस. सुनो मेरा भी एक ख्वाब है. जस्ट वन. शादी से पहले पूरा करने दोगे क्या? जो भी बोलूंगी. यस मैम. जो भी आप बोले. मुझे एक बाइक ट्रिप करना है खंजराब तक अकेले. बाइकिंग? फिर तुमने बाइकिंग शाइकिंग वाली बातें शुरू कर दी हैं. एंड सीरियसली अकेले? दैट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. मॉम्स गोना लूज इट. तुम्हीं ने तो कहा था शादी में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है. थोड़ा गिव एंड टेक. एब्सोल्युटली अनरीजनेबल इज नॉट गोना हैपन. ओके आई एम गिविंग यू माय एंटायर लाइफ सफर. घर छोड़ रही हूं. मुल्क छोड़ रही हूं. सब छोड़ रही हूं. तुमने तो अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए. मुझे मेरा ये ख्वाब पूरा कर लेने दो जफर प्लीज. प्लीज. ठीक है. लेकिन मेरे अलावा कोई और होता ना तुम्हें कभी जाने की इजाजत नहीं देता. लेकिन इस बार इस एक और आखिरी बार अल्लाह Yeah. But remember this. इसके बाद मैं घर में दोबारा बाइक्स का नाम भी नहीं सुनना चाहता. ठीक है.
जहां बादलों में हो रिश्ता और चांद भी हो हंसता हंसता बेखौफ हो क्यों डरता अब गीत गा तू बढ़ता बढ़ता दुख की बात हो अगर आप अपने ख्वाब पूरे किए बगैर ही इस दुनिया से चले जाएं कि एक दिन अचानक लगे कि वक्त खत्म हो गया है और अब बाकी और कुछ भी नहीं. हम इतना गुम हो जाते हैं रोज रोज की भाग दौड़ में, भूल जाते हैं कि जिंदगी में ज्यादा जरूरी चीजें क्या हैं. ख्वाबों से बढ़कर तो और कुछ भी नहीं. अगर वो भी नहीं तो और है क्या. एनीवेज, मुझे पता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है, लेकिन आज मैं खुश हूं. दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी और उस तक बस पहुंच ही गई हूं. इस सफर ने मेरे दिल मेरी रूह को जगा दिया है. आगे कुछ भी हो लेकिन आज इस लम्हे में मैं आजाद हूं. हेलमेट क्यों नहीं पहना? हिम्मत कर, बस पहुंच गए.
जा रहे हैं मुझे आराम से आराम से बच गई हो बहुत ही खुशकिस्मत हो और बहादुर भी चार टांके लगे तीन दिन मुकम्मल आराम को बुलाया डॉक्टर ने नहीं मेरा फोन कहाँ है सब हो जाएगा सब हो जाएगा परेशान ना परेशान ना क्या हो रहा है आसपास गांव वालों को पता चला है कि मोटरसाइकिल पे एक लड़की मिली है ऐसा तो ना कभी देखा ना सुना तुमसे मिलने आए हैं मामा चंदा कहाँ रह गई थी तू बेटा फोन क्यों ऑफ था तेरा तुझे पता है मैं कितना परेशान होती हूँ फोन कर करके पागल हो गए हम लोग मामा एक्सीडेंट हो गया है या अल्लाह एक्सीडेंट हो गया तेरा सुल्तान
I'm fine. Bas sar pe taanke aaye hain. Hua kya? Accident kaise ho gaya? Sadak pe patthar tha, nazar nahi aaya. पशु कुछ गांव वाले मुझे उठा के यहाँ ले आए हैं. हाँ हाँ, एवरीथिंग इज ओके. बहुत अच्छे लोग हैं. मैं भी करती हूँ सुल्तान. लिसन, प्लीज टेल देम नॉट टू वरी. मैं ठीक हूँ, एवरीथिंग इज ओके. आप परेशान ना हो, इन्हें मैं संभाल लूंगा. आप बस लोकेशन व्हाट्सएप करें फौरन. सुल्तान जी बोले. सॉरी. डोंट बी स्टूपिड. अपना ख्याल रखें. I was a lawyer in London. 3 saal pehle yahan holiday par aayi thi. Aur bas yahi reh gayi. Sab chhod diya. Ye sab hota kya hai? London mein to bas ghulami thi. Yahan I'm making a difference. Contribute kar इस कम्युनिटी में, एक फ्यूचर में. सीख रही हूँ उन लोगों से कि जिंदगी असल में है क्या. फिर अब खंजाब नहीं, बस वापस जाना है. तकरीबन पहुंच ही गई हो. सिर्फ 2-3 दिन की तो बात है. 2-3 दिन में तो मेरी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है. शादी हो रही है मेरी. ओह, मुबारक हो. और लोगी? श्योर. Thank you. आपको प्रॉपरली थैंक यू भी नहीं बोल सके इमरान भाई. जरूरत भी नहीं, हमारा फर्ज है. थैंक यू सो मच. बहुत बहादुर लड़की हो. बहादुरी कैसे? सिर्फ बाइक चलाती हूँ. कोई भी चला सकता है. तो फिर सड़कों पे नजर क्यों नहीं आती कोई लड़की मोटरसाइकिल पे? जो भी है, पहला कदम तो उठाया ना आपने. एक बात कहूँ अगर आप लोग बुरा ना माने तो? बोलो. आप लोग यहाँ इस इलाके में और इतने ओपन माइंडेड मतलब हमने तो सुना था कि हम लोग हमेशा से ऐसे ही हैं. हमारे बाप दादा सदियों से यहाँ बैठे हैं, इस तरह जी रहे हैं. हम तो वैसे ही हैं. तब्दील तो आप लोग हो गए हो. यहाँ आसपास तकरीबन 10 गांव हैं. हमारी लड़कियों ने पीएचडीज की हैं.
डॉक्टर्स बनी है, आर्टिस्ट बनी है, दो को तो एयरफोर्स में भी भेजा है हमने. क्या है अमेजिंग कि हम लोग बराबरी से रहते हैं, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन को आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं, फख्र करते हैं हम अपनी औरतों पर. इतने छोटे लोग नहीं कि अपनी औरत का अपना गरूर भी ना बना सके. मैं What do plants do when they get water, sunlight and nutrients? Photosynthesis. Very nice. Once again. Water, sunlight, nutrients. And then they? Class, we have a very special guest here today. How do we greet our guest? I'm fine. Thank you. This is Zenith. Zenith is visiting us all the way from Lahore. What's your name? Safina Maria. Wow, such a beautiful name. Thank you. What's your name? Farina Sanaur. Farina, I'm Zenith. What's your name? Sumita. What do you want to become when you grow up? I want to be a cardiologist. Cardiologist? बहुत मुश्किल है. नहीं. नहीं. What do you want to become when you grow up? Heart doctor. Heart doctor. What do you want to become when you grow up? An astronaut. Astronaut? How can you be? Become an astronaut. आप इतने मुश्किल काम कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ.
तीन दिन से आपने कोई तस्वीरें नहीं लगाई, सब ठीक तो है ना? आखिरकार आज हिम्मत कर ही रही हूँ, बच्चों को हम साई के घर छोड़े, ये देखें। आपकी वजह से हिम्मत मिली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अगर मुझे बोलना है मेरा नाम जैनत है तो कैसे बोलेंगे? जैनत। ओके, आपका नाम क्या है, कैसे बोलेंगे? I don't believe it. I really don't. When are you going to grow up, huh? Sunday ko function hai, koi time nahi bacha. Puri duniya se log aa rahe hain. Taiyariyan karni hai, tum yahan fazooliyat mein masroof ho. It's great. It's really great. Motorcycle chalani hai maine. Wo khanjra bhar mein, that is wahan jana hai mujhe. Poliye dekha hai apna? Is tarah meri biwi banogi tum? God's sake, do you realize that this is the biggest day of your life? Galati meri. I mean, is tarah motorcycle pe akeli ladki, I'm stupid. I'm really stupid. Phir hua kya? Sabko chhod chhad ke mujhe aana pada na? Do din lage hain, do din. Do you realize how difficult that is? It's really not easy. Let me tell you that. Thanks for asking how I am. Absolutely fine. पूरे गांव में घूमती फिर रही हो तुम। जानती मामा कितनी नाराज हैं? You even care about family? Or you just gonna be selfish? चार दिन से सड़क पर हूँ जफर। परसों मर गई almost. और तुम्हें अपनी माँ की नाराजगी की फिक्र है? No. नहीं। Emotional blackmail ना करो मेरे साथ। I'm gonna work. नहीं चलेंगे तुम्हारे ड्रामे। You okay? ना छोड़ तो नहीं लगी। It's gonna be fine. लाहौर जाके तुम्हारा पूरा चेकअप करा लेंगे। ये तुम्हें कंकशन तो नहीं है, that you're fully all right. And don't worry about this. ये इसको we'll get the best, We make up से ठीक कर देंगे, हाँ? Happy day. हमें साथ होना चाहिए ना? तुम्हारा पैक कर लो, let's go. रास्ते में कैसे लंच कर लेंगे? I don't trust this place anymore. क्या हुआ? जाना है,
खंजराब जाना है जफर। झूठ बातें ना करो। खबरदार मुझसे इस तरह बात की तो मुझे खंजराब जाना है। मेरा हाथ छोड़ो जफर। यू लिसन टू मी, इनफ इज इनफ। हद से बढ़ी हो तुम। जफर मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़ो। जस्ट शट अप। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ डिफिकल्ट दिस इज? मामा को इतनी मुश्किल से मनाया मैंने, संडे को फंक्शन है, कोई टाइम नहीं बचा, तुम्हें बाइकिंग करनी है? That's all that's left. भाड़ में क्या करोगी तुम? भाड़ में कितना मोटरसाइकिल और भाड़ में क्या खुंजरा आप? You know what? So तुम्हें इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी। तुम होते कौन इजाजत देने वाले? गुलाम हूं तुम्हारी, बंदी हूं। ज़ेनिथ, कुछ ऐसी बात ना कर बैठना जो तुम रिग्रेट करोगी। प्लीज जस्ट काम डाउन। इट्स गोइंग टू बी। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती बट यू वोंट अंडरस्टैंड। बस इतना कहूंगी कि हाथों में कड़े और उंगली में अंगूठी पहनाने से औरत तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बन जाती। कम ऑन ज़ेनिथ, कम ऑन, डोंट डू दिस। अपनी मामा से कहना तुम्हें कोई और लड़की ढूंढे तुम्हारे बच्चों की मां बनाने के लिए। गुड लाइफ। चंदा, चंदा कम ऑन। मेरे पापा मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। मैं 11 माह की थी। फिर बड़े हुए तो अक्सर अम्मी से पूछा करती थी कि पापा का वो ऐसा कौन सा ख्वाब था जो वो पूरा नहीं कर सके। तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा अपनी मोटरसाइकिल पे खंजराब जाना चाहते थे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प खबर लेकर आ रहे हैं लाहौर से ताल्लुक रखने वाली लड़की ज़ीनत इरफान के बारे में, जो अकेली मोटरसाइकिल पर खंजराब तक का सफर करें। And now, a very interesting story coming out of Pakistan, where a 21-year-old girl is making a solo motorcycle trip across the country to fulfill her deceased father's dream. In a country where it is considered taboo for women to ride bikes, Zenith Irfan, the motorcycle girl, is making this boundary-breaking journey all the way to Khanjarab, near the China-Pakistan border. Zenith Irfan, la chica de la motocicleta, está rompiendo los límites de fronteras. Con este que llega hasta Khanjarab, otras noticias de Khanjarab. Pakistan's 21-year-old motorcycle girl, Zenith Irfan. Zenith is मन की अपनी मान के मंजिले ठान के क्यों नजर ना बने आसमां।
आखिर में ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस टूर पर जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो मेरा अपना ही मुल्क था. हम पता नहीं क्यों समझने लगे हैं कि दक्यानूसियत हमारा मुकद्दर और तरीक है. शायद इसलिए कि दिन रात हमें यही सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है. लेकिन हकीकत यह है कि लाहौर से खंजराब तक मुझे सिर्फ प्यार करने वाले मिले, हिम्मत बढ़ाने वाले, ऐसे लोग जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है. मैंने ये मुस्तकबिल बहुत करीब से देखा है. एंड लेट मी टेल यू, द फ्यूचर इज ब्राइट. लेकिन आज 2017 में सड़क पर एक लड़की बाइक चलाते हुए नजर आ जाए तो खबर बन जाती है. क्यों? हम हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे बना दिए गए हैं. हमारी तारीख 30 साल नहीं 3000 साल पुरानी है और वो तारीख भरी हुई है ऐसी औरतों से जिन्होंने इस दुनिया को बदल कर रख दिया. मुझ पर काफिर काफिर के ताने मारने वालों ने हजरत खौला बिन तलतवर जैसी खवातीन को कैसे बुला दिया. आज से 1400 साल पहले हाथ में तलवार घोड़े की पीठ पर सवार शाम फतेह करती हैं, रोमन एम्पायर के सीने में इस्लाम का झंडा गाड़ती हैं, तारीख का धारा बदल देती हैं. लेकिन आज अगर मैं अपनी माँ की दवाई के पैसे कमाने के लिए, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए बाइक पर बैठकर काम पर जाऊं तो मैं काफिर? मैं आवारा? गलत. तारीख उठाकर देखें, हमारा दीन तो औरत को गुलामी से आजाद करता है. ये कौन लोग हैं जो हमें पाबंदी सलासल करने को इस्लाम कहते हैं? अगर कोई कौम अपनी आधी आबादी को बेड़ियां लगाकर घर पर बिठा देगी, उसे अपाहिज बना देगी, तो आप खुद बताएं क्या वो कौम तरक्की कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं. क्या हम इतने छोटे लोग हैं कि अपनी माओ बहनों बेटियों को तरक्की करता ना देख सके, उन पर फख्र ना कर सके, औरत को अपना गुरूर ना बना सके? क्या हमारा मुआशरा इतनी छोटी सोच का मालिक है कि उसकी इज्जत और गैरत की हद लड़कियों की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर आकर टूटती है? अब वो वक्त आ गया है कि हम इस मुल्क की औरतें मर्दों के शाना बशाना चलें, कि हम अपनी कदर किसी प्रिंस चार्मिंग या परफेक्ट रिश्ते से डिफाइन करना छोड़ दें. तालीम हासिल करें, काम करें, तरक्की करें, इस मुल्क का गुरूर बने. और इस सब के लिए जरूरी है कि औरत को ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी की इंडिपेंडेंस हासिल हो. हां, मुझे भी डर लगता था. डर एक पहाड़ है और अब वो वक्त आ गया कि हम उस पहाड़ की चोटी को सर कर लें, बल्कि उसे ठोकर मारकर उसे पाश पाश कर दें. I can answer some questions, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो. Yes. Thank you so much for your talk. मुझे आपसे एक सवाल करना है, एक पर्सनल सवाल. आपने कहा कि आपने ये सफ़र अपने फादर के साथ कनेक्ट करने के लिए किया, उनकी याद में किया, तो क्या आपको लगता है कि आप उनको इस सफ़र में ढूंढ पाई? मैं कभी आइकॉन या सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहती थी. मामा? मुझे हीरो नहीं बनना था. मेरी कहानी तो सिर्फ
एक बेटे की कहानी है जिसको ये पता था कि उसके बाबा का एक ख्वाब था और वो उस ख्वाब को पूरा किए बगैर ही इस दुनिया से चले गए. मेरे पापा चले गए और पीछे रह गई उनकी तस्वीरें. और उन तस्वीरों में, उन कागजों में जो वो पीछे छोड़ गए इस लंबे सफर पर, मैं आज तक उन्हें ढूंढ रही हूं कि अगर वो होते तो क्या होता, अगर वो होते तो कैसे होते. जब भी कदम डगमगाए उन्हीं की याद ने मुझे हौसला दिया. जब भी मुश्किल पड़ी उन्हीं के ख्वाब ने मुझे सहारा दिया कि मुझे उनके लिए यह सफर मुकम्मल करना है. मेरे बाबा तो मुझसे कभी बिछड़े ही नहीं क्योंकि मैं उनकी बेटी हूं. उन्हीं का खून दौड़ता है मेरी रगों में. मैं आज जो कुछ भी हूं सिर्फ इस वजह से हूं क्योंकि मैं अपने बाबा की बेटी हूं. मुझे पता है कि वो यही चाहते होंगे कि मैं आज इस जगह पर आप सबके सामने मिसाल बनकर खड़ी रहूं चाहे कुछ भी हो. मुझे पता है कि वो मुझे इस वक्त देख रहे होंगे, मुझ पर फख्र कर रहे होंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि वो अब भी यही बस नहीं कहीं.